नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम पहली बार आईपीएल खेल रही है और इस टीम ने अपने पहले ही सीजन में कमाल कर रखा है। केएल राहुल की कप्तानी वाली ये टीम आईपीएल 2022 में लगातार जीत हासिल कर रही है। बीते दिन खेले गए मुकाबले में आखिरी ओवर में जब कुलदीप ने छक्का मारा तो गंभीर सहित पूरी लखनऊ की टीम परेशान थी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने जब टीम को जीत दिला दी तो गंभीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उनके मुंह से अपशब्द निकल गया। उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक नया भारत भी बनाएंगे और बेहतर दुनिया का सपना भी साकार करेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा के सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर में भारत के प्रथम गृह मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सनातन मंदिर में सरदार पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेंगे बल्कि दोनों देश के संबंध के प्रतीक के रूप में भी उभरेंगे। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है। मिशन 2023 के मद्देनजर रविवार शाम भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों के साथ आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ने से श्रीलंका में कुल मुद्रास्फीति अप्रैल में करीब 30% पर पहुंच गई है। मार्च में यह आंकड़ा 18.7% पर रहा था। श्रीलंका के जनगणना और सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल महीने के मुद्रास्फीति आंकड़े जारी किए। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। ओडिशा सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन के साथ भुगतान किए जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ये 1 अप्रैल से लागू होगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता को हाल ही में बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के सामने आते ही मिथुन के प्रशंसक परेशान हो गए हैं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अभिनेता की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को देख अभिनेता के हेल्थ को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई है। IGI एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विभिन्न विभाग कस्टमर सर्विस एजेंट की 1095 नौकरियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर लड़की और लड़के दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने जा रही है और 22 मई तक इन पदों पर अप्लाई किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री का बर्लिन में प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान 2 बच्चों ने पीएम का दिल जीत लिया, जहां एक बच्ची ने पीएम मोदी का एक चित्र बनाया। वहीं बच्चे ने शानदार कविता सुनाई। पीएम मोदी ने बच्ची से बात करते हुए पूछा, क्या बनाया आपने? इस पर उसने कहा कि आप, यानी कि आपकी तस्वीर। इसके बाद पीएम ने फिर से पूछा, अच्छा क्यों बनाया है? तो बच्ची ने जवाब दिया कि आप मेरे फेवरेट आइकॉन है। भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौता रविवार से लागू हो गया है, जिसके तहत कपड़ा, कृषि, ड्राई फ्रूट्स, रत्न और आभूषण जैसे विभिन्न क्षेत्र के घरेलू निर्यातकों को UAE के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने समझौते को अमल में लाने के प्रतीकात्मक संकेत के तहत यहां रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के 3 निर्यातकों को मूल प्रमाण पत्र सौंपा है। दुबई के लिए इन खेपों पर समझौते के तहत कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की पहली यात्रा के दौरान राज्य ने पाकिस्तान को देश की संघर्षशील अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण पैकेज को पेशकश करने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल 15 मई को केरल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल यहां पर राजनीतिक जमीन तलाशने की कड़ी में जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2020 राजनीतिक दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही केरल जाएंगे। भारतीय थलसेना, वायुसेना, नौसेना यानी तीनों सेना जल्द ही पूरी तरह देश में बने हथियार तमाम रक्षा उपकरण से लैस होगी। भारत सरकार ने इन्हें विदेश में बने हथियार समेत तमाम साजो सामान से मुक्ति दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब सेना को जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत होगी उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही निर्माण करना होगा। पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान उसने कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी है। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी हरी झंडी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी हरी झंडी दे गई है। इसके अलावा एक MLA एक पेंशन मुक्तसर जिले में नरबे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ का मुआवजा की मंजूरी दी गई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अप्रैल 2022 में 5.58 बिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए, जो अपनी स्थापना के बाद से भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए एक नया आई
ऑल टाइम हाई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चला है। मूल्य के संदर्भ में पेमेंट प्लेटफॉर्म ने 9.83 ट्रिलियन रुपए का ट्रांजैक्शन को देखा। यूपीआई ने मार्च 2022 में 9.6 ट्रिलियन रुपए के 5.4 बिलियन ट्रांजैक्शन किए थे। महीने दर महीने आधार पर यूपीआई ने लेनदेन की मात्रा में 3.33% और लेनदेन के मूल्य में 2.36% की वृद्धि दर्ज की है। दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हेल्थ सर्विस सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। सेक्टर में पैर जमाने के लिए अडानी बड़े अस्पताल, डायग्नोस्टिक चेन और ऑफलाइन और डिजिटल फार्मेसीज का अधिग्रहण कर सकते हैं। हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाह तक का कारोबार कर रही अडानी ग्रुप ने हाल ही में कई विदेशी बैंकों और वैश्विक निजी इक्विटी निवेशकों से मुलाकात कर हेल्थ सर्विस कारोबार में ग्रुप की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। भारत को एक संपन्न सेमीकंडक्टर केंद्र में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2022 के तीसरे और अंतिम दिन कई समझौते अनुबंधों की घोषणा की गई। सेमिकॉन इंडिया 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल 2022 को किया गया था। टाइम की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने 87.9 मिलियन फॉलोअर्स रिसर्च ऑडिट के समय में ट्विटर ऑडिटिंग टूल स्पार्क टोरो के अनुसार लगभग 48% नकली है। ये ऐसे खाते हैं जो पहुंच से बाहर है और खाते के ट्वीट नहीं दिखेंगे क्योंकि वो स्पैम बॉट या फिर प्रचार आदि है या फिर वो ट्विटर पर सक्रिय ही नहीं है। पेनी स्टॉक में निवेश करना अत्यधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि सिंगल रिगर अपने लो फ्लोट फीचर के कारण ऐसे शेयरों में उच्च अस्थिरता का कारण बनता है। हालांकि उच्च जोखिम वाले व्यापारी जो व्यवसाय मॉडल और कंपनी के निरंतर विकास के बारे में अच्छी तरह से आश्वस्त है ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं और इसे मध्यम से लंबी अवधि के लिए अपने पास रखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त देश में कई सारी योजना चला रही है और साथ ही लोगों के हित में लगातार लागू भी कर रही है। अब सरकार एक नई और बड़ी पहल करने जा रही है। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई को तो काफी पहले ही ला चुकी है लेकिन अब तमाम ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म ला रही है। माना जा रहा है कि सरकार के इस प्लेटफॉर्म के तहत अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कड़ा टक्कर होगा। हिंदी सिनेमा के टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों से रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी कोई चुनौती ना मिलने के चलते कन्नड़ सुपरस्टार यश गौड़ा की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने हफ्ते भर बाद इतवार को भी फिर से दोहाई करोड़ का आंकड़ा हिंदी पट्टी में पार कर लिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को देखने रविवार को दर्शकों का मेला फिर सिनेमाघरों में लगा रहा। पूरे देश में इस फिल्म ने रविवार को जबरदस्त कलेक्शन किया है। फास्टैग अब जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। सरकार ने इस सिस्टम को लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू की थी लेकिन अब ये फास्टैग सिस्टम भी बंद होने के कगार पर पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से फास्टैग की जगह नया हाईटेक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। यह नया सिस्टम यूरोपीय देश में शुरू हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 परीक्षा के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2021 को रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 15 मई रात 11:50 है। योग्य उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 मई थी। कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका के बीच देश में संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3157 नए मामले मिले। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,500 हो गया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते रोज लगभग 3 लाख कोविड टेस्ट किए गए जिसमें कोविड पॉजिटिव रेट में वृद्धि देखी गई है। वहीं अब तक देश भर में 83,82,08,698 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा देखें तो 5,23,869 लोगों की जान जा चुकी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी को एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। हालांकि अब जीवन प्रमाण सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करने वाले सिलिकॉन वैली के भारतीय अमेरिकी आईटी विशेषज्ञ नंदमूल चंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी में पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। निदेशक विलियम जे बर्न्स ने सोशल मीडिया पर इस प्रतिष्ठित पद की घोषणा की। CIA के अनुसार मूल चंदानी के पास सिलिकॉन वैली में विशेषज्ञ के तौर पर काम करने का 25 सालों का अनुभव है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में इंजीनियर्स के लिए नौकरी का शानदार मौका है। TNPSC ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंजीनियर समेत अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 550 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों को संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 के माध्यम से भरा जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्रालयों और विभागों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को ट्रैक करने के लिए कहा गया है और उन्हें इसके लिए लगातार एक डैशबोर्ड पीएम स्पीच ट्रैकर को अपडेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें हाल ही में डैशबोर्ड के कामकाज और अपडेशन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के शेयर भाव में जबरदस्त उछाल होने वाला है। ब्रोकरेज यस सिक्योरिटीज और ICICI सिक्योरिटीज दोनों का ही अनुमान है कि शेयर भाव 1,000 रुपए के पार जा सकता है।
कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के तहत निकले हुए विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड संबंधित वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। जो भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो 30 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी, जो 23 अगस्त 2021 तक चली थी। अब बोर्ड ने परीक्षा 10 मई को लेने का निर्णय लिया है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भले ही केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था में तेज सुधार की बात कर रही हो, लेकिन विपक्ष को उसके दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के मौजूद संकट को गिनवाते हुए मोदी सरकार पर वार किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है कुश कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, दिलीप राम, नन्नू कुमार, सलीम भाई, मिथिलेश कुमार, सुदर्शन कुमार, साहिल कुमार, मृत्युंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या आप कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।